संगम नगरी प्रयागराज की इलाहाबाद लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है अब नतीजों की बारी है नतीजों का इंतजार सभी को बेहद बेसब्री से है चार जून को काउंटिंग होगी और जो उम्मीदवार हैं वो भी अब काउंटिंग की तैयारियों में जुट गए हैं हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी जी हैं नीरज जी पेपर तो हो गया है इम्तहान हो गया है अब रिजल्ट की बारी है जी निश्चित तौर पे पच्चीस तारीख को इम्तहान हो चुका है और चार तारीख को रिजल्ट की बारी है और मैं बहुत आश्वस्त हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं हूँ मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा एन डी गठबंधन इस बार निश्चित तौर पर हैट्रिक लगाने जा रहा है इलाहाबाद में और काफ़ी अच्छी मार्जिन से ये विजय भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को और सारे मतदाताओं को समर्पित रहेगी मतलब आपका कहना है कि पेपर बहुत अच्छे हुए हैं जी निश्चित तौर पे पेपर बहुत अच्छे हुए तो जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप सौ प्रतिशत से ज्यादा क्योंकि जिस तरह का प्यार मुझे वहाँ जनता ने दिया जिस तरह का सम्मान दिया जिस तरह का सम्मान मेरे स्वर्गीय पिताजी को दिया उससे मैं सौ प्रतिशत आश्वस्त हूँ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जिस तरह से वहाँ प्रशंसा है जिस तरह से धरातल पर काम हुआ है उसका जनता ने बहुत 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 ही सम्मान किया है और उसकी वजह से मैं इस बार तीसरी बार निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की हैरकत लगाने में सफल रहूँगा अच्छा पेपर कोई भी हो जब रिजल्ट की बारी आती है तो थोड़ी घबराहट होती है आपके साथ भी ऐसा है देखिए मैं थोड़ा अलग टाइप का व्यक्ति हूँ मेरा शुरू से मानना रहा है मैं जब भी जब भी पढ़ाई करता था तब भी जब मैं हाई स्कूल का पेपर दे के आया या कोई भी पेपर दे के आता था तो कभी भी अपना पेपर पलट करके देखता नहीं था क्योंकि तो मेरा ये मानना था कि मैं जो एग्ज़ाम पेपर में लिख के आ गया हूँ वो अब मैं सही कर नहीं सकता और उसके बारे में सोच करके चिंतन करके आगे आने वाला टाइम कहीं ख़राब करना है मुझे आगे भी बहुत काम करना है इसलिए और मैं आश्वस्त हूँ इसलिए मुझे ज़रूरत भी नहीं है पीछे पलट करके देखने की अच्छा जिस तरीके से आप आश्वस्त हैं बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं उसके पीछे फैक्टर कौन से हैं जो काम कर रहे हैं देखिए फैक्टर विकास और जो हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उन्होंने जो एक भयमुख समाज का वादा किया था वो और, और जितने भी हमारे कार्य हुए हैं उनसे जनता बहुत ही खुश है और उन्होंने एक मुश्त होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है अच्छा आप प्रशासन को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं कि उसने बहुत निष्पक्ष तरीके से वोटिंग कराई है क्या किस लिए बार बार ये आभार जताने की जरूरत पड़ रही है देखिए वहाँ का इतिहास जो मुझे पता लगा था वो ये था कि बूथ कैप्चरिंग गुंडागर्दी इन सब का वहाँ बहुत बोलबाला रहता था परंतु इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ इसलिए मैं प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये चुनाव कराया कहीं ऐसा नहीं था कि वो कहीं मेरे पक्ष धर रहे हों या उनके पक्ष धर रहे हों उन्होंने बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से पारदर्शी तरीके से सारा इलेक्शन करवाया है इसलिए मैं प्रशासन का बहुत धन्यवाद देता हूँ तो क्या जो गठबंधन के लोग थे वो विपक्ष में रहते हुए भी जो है वो बूथ कैप्चरिंग और दबाव डालने का काम कर लेते थे देखिए सारे गुंडे इकट्ठा तो वहां पर वो उस तरह की हरकतें करते थे पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने वहां पर बहुत इस तरह का तांडव किया एक तो इस बार उनकी सरकार नहीं थी दूसरा प्रशासन बहुत मुस्तैद था इसलिए वो कर नहीं पाए कुछ लेकिन उनका इतिहास वहाँ पर ये रहा है अच्छा अब काउंटिंग को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं काउंटिंग को लेकर के देखिए संगठन से मेरी बात हो गई है जो नाम है इनको जो है मतदान अभिकर्ता बनना है आ, काउंटिंग एजेंट्स बनने हैं उनके नाम सब फाइनलाइज हो गए हैं और अब वो आर ओ साहब के यहाँ जाएंगे उनके सिग्नेचर्स के लिए और पासिस के लिए तो वो सारी तैयारियाँ करीब करीब पूरी हो चुकी हैं जो तेज तर्रार कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी हैं उन्हीं को वहाँ पर लगाया जाएगा हाँ निश्चित तौर निश्चित तौर पर कि वहाँ पर तेज सरदार कार्यकर्ता जो वहाँ पर बिल्कुल मुस्तैद हैं उनको अच्छा आप दस अप्रैल को आपके टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त हो गया लगातार छियालीस डिग्री सैतालीस डिग्री अड़तालीस डिग्री तक तापमान में आपने प्रचार किया सुबह से देर रात तक थकावट बहुत हो गई होगी थकावट कम हुई या चार जून के बाद होगी नहीं नहीं निश्चित तौर पे थकावट काफी हुई क्योंकि दौड़ भाग बहुत हुई और अब थकान तो चार जून के बाद उतरेगी क्योंकि अभी भी मैं दिन भर लोगों से मिलता ही रहता हूं और लोगों का जितना प्यार मुझे मिला है मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं और जो प्यार मुझे मिल रहा है उसमें मुझे अभी थकान महसूस हो नहीं रही है अच्छा आप पेशे से अधिवक्ता हैं आ, सोशल वर्क भी खूब किए हैं आपने राजनीति का ये पहला अनुभव था ये पहला अनुभव कैसा रहा देखिए पहला अनुभव तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं अपने स्वर्गीय पिताजी के साथ करीब करीब हर इलेक्शन में ही उनके साथ रहता था उसको मैनेज करता था तो राजनीतिक अनुभव पहला नहीं है और मैं एक तरीके से कहूँगा कि इलेक्शन लड़ने का भी अनुभव पहला नहीं है हाँ मैं पहली बार खड़ा जरूर हुआ हूँ इलेक्शन में तो अनुभव भरपूर है उसकी समस्या नहीं थी अच्छा एक अंतिम प्रश्न ये है कि आपके पिता दिग्गज राजनीतिक रहे हैं जो है वो और बड़ा सम्मान उनका था पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी जी का उनका नाम आपके चुनाव में कितना काम आया मैं जहाँ भी गया मुझे हर जगह मेरे पिताजी के प्रशंसक मिले हर जगह लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने उनके लिए क्या क्या किया कई जगह ऐसी थी जहाँ लोग मुझे पकड़ करके ले गए ये दिखाने के लिए कि देखिए ये ट्यूबवेल वेल यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी तो ये पिताजी ने आपके ट्यूबवेल लगाया जिसका पानी हम आज तक पीते आए हैं ऐसी बहुत कॉलोनीज में लेके गए जहाँ लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर लाइट नहीं थी कनेक्शन नहीं थे वो आपके पिताजी के पास हम लोग गए तो उन्होंने हमारे लगवाए यहाँ पर कनेक्शन लगवाए ऐसी तमाम चीज़ें लोगों ने दिखाई और भरपूर सम्मान उनका था वहाँ पर जिसका मुझे निश्चित तौर पर फायदा मिला तो धन्यवाद ये, ये नीरज त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो कि अपनी जीत का दावा कर रहे हैं साथ ही साथ ये दावा भी कर रहे हैं कि केंद्र में भी इस बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी एबीपी गंगा खबर आपकी जुबा आपकी